एससी एसटी की आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के 21 संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसके चलते दुर्ग में भी इसका असर देखने को मिला। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे बाबा भीमराव के अनुयायियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और प्रदर्शन किया। एससी एसटी की आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुधवार को देश भर के 21 संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। भारत बंद का मिला जुला असर दुर्ग में भी देखने को मिला। बता दें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने यह फैसला लिया है। गौरतलब है कि भारत बंद के फैसले को देखते हुए सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि बिहार की राजधानी पटना में बंद के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज तक कर डाला। बिहार के कई और शहरों में बंद को लेकर समर्थक सड़क पर नजर आए। राजस्थान के जयपुर अजमेर समेत कई इलाकों में भारत बंद का असर नजर आया। दुर्ग शहर में भी बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने सभी तरफ से जुलूस निकाला और रैली निकालकर आरक्षण पर विरोध जताया। साथ ही देश की मोदी सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भिलाई से निकले समाज के लोगों ने दुर्ग के पटेल चौक में जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने अपना आक्रोश जताते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव कर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। इस संबंध में समाज के ऑल इंडिया एससी एसटी स्टेट प्रेसिडेंट अनिल मेश्राम ने प्रतिक्रिया दी। सरकार की साजिश एससी एसटी के प्रति हमेशा बनी रही है। 2018 में भी एससी एसटी एक्ट को निष्प्रभावी और ख़त्म करने के संबंधी सुप्रीम कोर्ट से निर्णय पारित कराया गया, और आप लोग को याद होगा कि 2 अप्रैल 2018 में बहुत जोरदार आंदोलन हुआ था जो ऐतिहासिक रूप से सफल रहा था, और फिर केंद्र सरकार को मजबूर होकर संसद में अध्यादेश पारित करा करके उस निर्णय को वापस कराना पड़ा था। तो केंद्र सरकार चाहती क्या है कि एससी एसटी के लोग सड़क पर आए नारेबाजी करें। हम लोगों को हमारी कोई शौक नहीं है हमें सड़क पर आके नारेबाजी करने का। यहाँ जितने लोग आए हैं सब अच्छे से अधिकारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आज आरक्षण में क्रिमिनल वर्ग बना करके, मतलब जो संविधान में संवैधानिक आरक्षण दिया गया था उस आरक्षण में कोटा बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को हमेशा इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे इस देश में कहीं ईडी, और मैं कहना नहीं चाहूँगा लेकिन फिर भी केंद्र सरकार, मैं एस सी एस टी की बात करना चाहूँगा कि एस सी एस टी के लिए सुप्रीम कोर्ट को जरिया बना करके जो उन्होंने निर्णय पारित कराया है हम उसका विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि क्रिमिलेयर वर्ग को अलग बनाया जाए, जातियों में उपजातियां वर्गीकृत की जाए, जिससे समाज को तोड़ने का काम किया गया है जो कि बहुत ही गलत है, निंदनीय है, जिसका हमने भरपूर विरोध किया है। और राष्ट्रीय आह्वान पर आज एक विशाल रैली जो है यहाँ पर आई हुई है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आरक्षण में क्रिमिलेयर और उपवर्गीकरण इसे समाप्त किया जाए, समाप्त करने की अनुशंसा और अध्यादेश पारित करा करके सुप्रीम कोर्ट से ही इस आदेश को निरस्त कराया जाए। क्रिमिलेयर में हमारा वर्ग आता है जिसे आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, एसडीओ, सांसद, विधायक, ये कुछ साल तक के रहेगा तो उसको क्रिमिलेयर की श्रेणी में ले लेंगे। लेकिन मेरा ये आपको कहना है, बताना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण जाति को दिया था जो वंचित थी, पीड़ित थी, प्रताड़ित थी, ना कि अमीर और गरीब की श्रेणी को दिया था। क्योंकि आज भी एक अगर कोई दलित आईएएस अफसर है तो ब्राह्मण उसका पैर नहीं छू सकता। एक ब्राह्मण का पैर कोई बहुत बड़ा आदमी छू लेगा, लेकिन वो सामाजिक समानता ही नहीं है। आज भी राजस्थान हो, हरियाणा हो, देश के विभिन्न राज्यों, भिंड, मुरैना में हो, आज अगर से हमारा कोई दलित घोड़ी पर चढ़ जाता है तो उसे मार दिया जाता है, अगर किसी ने मुंह छिड़क लिया तो उसे मार दिया जाता है। तो देश में आदिवासी समाज पे कहीं पेशाब कर दिया जाता है
तो ये क्या है, मतलब कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि देश में सामाजिक समानता आज भी नहीं है। सामाजिक समानता जब तक स्थापित नहीं हो जाती, आरक्षण को जो खत्म करने का मंसूबा केंद्र सरकार पाले हुए हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगी। आज ये हमारा ट्रेलर है, एक चेतावनी है, सांकेतिक हड़ताल है। हमने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया है और यदि हमारी मांग मानी नहीं जाती है तो निश्चित तौर पर समाज जो है सब परिवार यहाँ पर टूट पड़ेगा सड़कों पर और बहुत बड़ा आंदोलन होगा और कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। उसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार रहेगी, ये हम स्पष्ट कर देते हैं। अनिल मेश्राम, स्टेट प्रेसिडेंट, SC ST परिसंघ। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूक की रिपोर्ट।